स्क्रीन के एक तरफ देखिए, एक शख्स कांस्टेबल की वर्दी पहना हुआ है और दूसरी तरफ यही शख्स आईपीएस की वर्दी पहना हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दो और शख्स ऐसे ही आपको नजर आएंगे जहां वे एक तरफ कांस्टेबल की वर्दी पहने हुए हैं तो दूसरी तरफ आईपीएस की वर्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स कांस्टेबल और आईपीएस की वर्दी दोनों पहने हुए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये कोई फर्जी पुलिस ऑफिसर नहीं है जो मौज के लिए पुलिस की वर्दी पहनते हो, और ना ही ये कोई एक्टर है जो किसी शूट के लिए वर्दी बदल रहे हो। ये असली पुलिस ऑफिसर है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्यों इन्होंने सिपाही और आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहन रखी है। आइए इस वीडियो में आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। ये है विजय सिंह गुज्जर, कंधे पर आईपीएस का बैच, सिर पर टोपी और चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं। लेकिन जो इन्होंने कांस्टेबल वाली वर्दी पहन रखी है उसके पीछे की कहानी ये है कि साल 2010 में इनका दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और जिद की बदौलत विजय सिंह गुज्जर साल 2017 में आईपीएस ऑफिसर बन गए। विजय सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही के रूप में चुने जाने के बाद इन्होंने कई सरकारी नौकरी के एग्जाम दिए और वे उनमें सफल भी रहे। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में सफलता हासिल की और उनका सिलेक्शन केरल में सेंट्रल एक्साइज और कस्टम में हो गया था। इसके बाद साल 2014 में एसएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिल गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में इन्होंने सोचा और कड़ी मेहनत करने लगे। इसके लिए वो नौकरी के साथ साथ रोजाना करीब 6 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा साल 2017 में विजय को सफलता मिली और उन्होंने 574वीं रैंक हासिल भी की और फिलहाल अभी विजय की पोस्टिंग गुजरात के सूरत में है। विजय सिंह की कहानी की तरह ही बाकी दो अफसरों की कहानी है जहां दोनों शख्स अफसर बनने से पहले कांस्टेबल हुआ करते थे। चलिए एक एक करके इनकी कहानी को आपको सुनाते हैं। राम भजन कुमार राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले हैं। राम भजन बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता चूना पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। फिर पिताजी की तबीयत बिगड़ गई तो राम भजन भी चूना पत्थर तोड़ने का काम करने लगे। लेकिन इतनी सारी परेशानी के बावजूद भी राम भजन ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और साल 2009 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल की नौकरी हासिल की, जिसके बाद साल 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। लेकिन राम भजन को कई बार यूपीएससी की परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और 8वें प्रयास यानी साल 2022 में यूपीएससी में 667वां रैंक हासिल किया। राम भजन कुमार फिलहाल साइबर पुलिस दिल्ली साउथ वेस्ट में पोस्टेड है। इस कहानी के जो तीसरे किरदार है वो यूपी के हापुड़ जिले के रहने वाले फिरोज आलम है। फिरोज आलम साल 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद फिरोज अपने सीनियर अफसरों के कामकाज के तरीके और उनके रुतबे से काफी प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो भी ऑफिसर बनेंगे। लेकिन उनके लिए अफसर बनना इतना आसान नहीं था। लगातार फेल का सामना करने के बाद फिरोज ने अफसर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दिया था, मगर उनके साथी और इस कहानी के पहले किरदार विजय सिंह गुज्जर के सफलता को देख फिरोज में हिम्मत आई। इसके बाद 6वें प्रयास यानी साल 2019 में उन्होंने 645वीं रैंक हासिल कर यूपीएससी परीक्षा पास की थी, जिसके बाद अब ये बतौर आईपीएस दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा कैडर में बतौर एएसपी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।